नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेनों में पहुंचाने वाले खान पान कंपनियों की। जी हाँ, ये कंपनियां ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी रहती हैं और कुछ तो गवर्नमेंट सेक्टर की ही होती हैं, लेकिन इन कंपनियों में भी भर्ती पाना कोई आसान बात नहीं होती। इसमें भी कई जगहों पर एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक खाना पहुंचाने वाली सबसे बड़ी कंपनी ने अपने विज्ञापन में जातिगत को लेकर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है, जिसको लेके कई जगह विरोध हो गए हैं और कई लोगों ने इसको बेबुनियाद भी बताया है। उनका मानना है कि इस तरह के बेबुनियाद विज्ञापनों से वो केवल जातिवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही इस तरह का भेदभाव से वे ये बता रहे हैं कि आज भी देश में जाति भेदभाव हो रहा है, ना सिर्फ देश में बाकी सेक्टरों में बल्कि फूड विज्ञापन बल्कि फूड सप्लाई को लेकर भी जाति विवाद चल रहा है। इसके तहत सोशल मीडिया पे भी रेलवे को लेके और उसके मंत्रालय को लेके काफी खिंचाई की गई है। जैसे ही रेल मंत्रालय को इस बात का पता चला है, उसने तुरंत RICTC को लेके कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने ये भी निकाला है कि इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। और हुआ ये था कि वृंदावन फूड सप्लायर कंपनी ने अपने यहाँ की भर्ती में कुछ पुरुषों की मांग की थी। उन्होंने ये कहा था कि ये पुरुष वैश्य समुदाय से ही होना चाहिए और कम से कम 12वीं तक पढ़े लिखे होने चाहिए। कंपनियों के इस बर्ताव की वजह से काफी जगह बदनामी हुई है रेल मंत्रालय की। इंडियन फूड रेलवे कंपनी ने जब इस विज्ञापन के तहकीकात करने पर उन्हें जो सबूत मिले, उसके तहत इन विज्ञापनों को दिखाने वाले और प्रचार करने वाले कर्मचारियों को निकाल दिया है। साथ ही इस विज्ञापन के तहत माफी मांगी गई है कि इस तरह के विज्ञापन आज से नहीं किए जाएंगे और साथ ही इसके विज्ञापन के लिए कई तरह की भर्तियों को भी मना किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये रेल मंत्रालय अपना इंडियन ही है, यहाँ पे कोई जाति विवाद नहीं देखा जाएगा। साथ ही यहाँ पे भर्ती के लिए जिन भी व्यक्तियों की जरूरत है वो अपनी काबिलियत पर ही भर्ती किए जाएंगे, ना कि जाति पद पर। ठेकेदार ने ICTI की पुष्टि की और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दो अलग अलग विज्ञापन छपने थे, लेकिन ये लिपि की गलती की वजह से हुआ है। कई जगहों पे उन्होंने माफी भी मांगी है कि ये एक गलती से छपने वाला विज्ञापन था, जिसपे किसी भी जाति विवाद को ठेस पहुंचाना नहीं था। और इस विज्ञापन के चलते इस कर्मचारी के HR मैनेजर को नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।